आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महंगाई की मार ने जनता की हालत फिर से पस्त कर दी है। 22 मार्च से तेल की कीमतों में हुआ इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 9 दिनों में 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 22 मार्च से लेकर अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम में 5 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई की मार से जनता बेहाल, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 9 दिनों में 8वीं बार बढ़ी तेल की कीमत। तेल की कीमत ने पार की सेंचुरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 9वें दिन फिर से उछाल देखने को मिला है। 22 मार्च से तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजलों की कीमतों में लगातार इजाफा किया जा रहा है, जहां एक ओर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम करीब 26% तक घट चुके हैं। बावजूद इसके देश में पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार महंगाई की आग भड़क रही है, जिससे लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। भारतीय तेल कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली में 30 मार्च सुबह 6 बजे से पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के पार यानी कि शतक पार कर चुकी है। दिल्ली में अब पेट्रोल 101.01 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 92.27 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि इंडियन ऑयल कंपनियों ने एक दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था। पिछले 9 दिन में 8वीं बार तेल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली 101.01, 92.27, मुंबई 115.88, 100.10, कोलकाता 110.52, 95.42, चेन्नई 106.69, 96.76, लखनऊ 100.86, 92.42। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 30 मार्च 2022 को पेट्रोल का रेट 115.88 रुपए प्रति लीटर जा पहुंचा है, जबकि डीजल की कीमत 100.10 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। दिल्ली समेत सभी प्रमुख महानगरों में अब पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। बता दें कि 138 दिनों की स्थिरता के बाद 22 मार्च को पेट्रोल डीजल की कीमतें 80 पैसे तक बढ़ा दी गई थी। जून 2019 में कीमतों को रोज रोज संशोधन करने का नियम आने के बाद से ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। इसके बाद के दिनों में यानी पिछले 7-8 दिनों में लगभग हर रोज पेट्रोल 30 और 50 पैसे जबकि डीजल 55 और 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीते दिन कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखी गई थी। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 35.56% घटकर $116.35 प्रति बैरल रह गया था। वहीं भारतीय वायदा कारोबार में सोमवार को कच्चे तेल की कीमत 2.77 रुपए की गिरावट के साथ 8,534 रुपए प्रति बैरल रह गई। इसके बाद अनुमान लगाया कि पेट्रोल डीजल के दाम में कमी देखने को मिल सकती है, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। पेट्रोल की कीमतों में 60% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और राज्यों के टैक्स का होता है, जबकि डीजल में ये 54% होता है। पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल पर 31.80 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आमतौर पर रोज बदलाव होता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर बढ़ती पेट्रोल और डीजलों की कीमतों पर कब लगाम लगेगा। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी परेशान है और अब इंतजार है कि कब पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटेंगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार।